प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के बीच सियासत गरमाई हुई है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर वार पलटवार करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुल्लू में प्राकृतिक आपदा के बीच आम जनता को राहत देने में प्रदेश सरकार पूरी तरह से नाकाम रही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्राकृतिक आपदा आई है उसी तरह से सरकार को राहत देने की दिशा में भी काम करना चाहिए, लेकिन सरकार के प्रतिनिधि फोटो खींचने में व्यस्त है जबकि धरातल पर प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत मिलनी चाहिए थी। तो हमारे लेफ्ट बैंक में जगत चुक में रात लगभग 11 और 12 बजे के मध्य में गांव के बीच में काफ़ी पानी आया, जिसके कारण कुछ दुकानों के अंदर कुछ घरों के अंदर भी पानी घुसा है। और उसके साथ मैं वहां पर देख रहा था कि इस बार जो बाढ़ आई है इसमें जहां जान माल का नुकसान हुआ है तो पशु धन का बहुत अधिक नुकसान हुआ है। जगत चुक में वहाँ पर गाय भी दबी हुई हमको मिली है और फिर वहाँ से रोड खुलने के बाद फिर करजान गांव में भी रात कोई लगभग 2 बजे के करीब बादल फटने की घटना हुई है और वहाँ पे लगभग 15-20 घरों में बाढ़ का पानी घुसा है और रोड भी बाधित हो गया था और जिसके कारण से हमको 9 बजे के बाद यानी कुल्लू पहुंचने में लगभग 4 घंटे का समय लगा है। तो इस बार जो नुकसान हुआ है तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। और लेकिन मैं एक बात ही कहना चाहूँगा कि इस सारे में अभी तक वास्तविकता यह है कि सरकार ठीक प्रकार से हमारे लिंक रोड्स को खोल नहीं पाई है, सड़कें अभी तक बाधित हैं और किसानों की सब्जियां, फल इत्यादि वो फंसा हुआ है। पीने के पानी की योजना अभी तक ठीक प्रकार से चली नहीं है, बिजली हर जगह तक पहुंची नहीं है और जो प्रभावित है, जिनका नुकसान हुआ है, उन तक जो राहत राशि पहुंचनी चाहिए वो ठीक प्रकार से पहुंची नहीं है। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि जल्द से जल्द पहुँचना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि जो राहत राशि है वो DBT के माध्यम से उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होनी चाहिए और दूसरा जो स्थानीय पटवारी हैं उनके माध्यम से होना चाहिए। ये समय ऐसा है कि जब राजनीति करने का नहीं है, केवल मात्र इतना काम करना है कि प्रभावितों तक जो राहत है वो ठीक समय पर पहुंचे और उनकी मदद हम सब लोग करें, तो इतना ही मुझे कहना है। आपको बता दें कि प्राकृतिक आपदा के चलते प्रदेश को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वही आपदा के बीच राहत कार्यों को लेकर प्रदेश सरकार पर विपक्ष की पार्टियां सवाल खड़ा कर रही हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।